हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जैसे कि कनाडा में थोड़ा सा ठंड बढ़ गई थी, तो मैंने जैकेट वगैरह परचेज़ किया यहाँ पे। मेक श्योर अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो विंटर्स के कपड़े ना लाएं, बिकॉज इंडिया के कपड़े आर फॉर इंडिया टेम्परेचर। इंडिया में जो कि हद कोई भी ऐसी प्लेस होगी जहाँ पर ज़ीरो से नीचे जाता होगा, बट कनाडा में इट सीम्स लाइक सितंबर के महीने में ही ये 2 डिग्री चला गया था। सो यू कैन जस्ट इमेजिन। सो प्रो टिप इज़ कि इंडिया से विंटर्स के कपड़े ना लाएं। मैंने 2 जैकेट्स लाए हूँ एंड आई एम यूजिंग दैट इन दिस सीज़न। लाइक अभी मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, पर उसके बाद मैं विंटर्स में मुझे नहीं लगता मैं ये यूज़ कर पाऊँगा। एंड बाय द वे दिस सीज़न इज़ फॉल, तो मेक श्योर टू कैरी ऑन दैट क्लोथ्स। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक स्टूडेंट लाइफ में आप ग्रॉसरीज जब खरीदेंगे कहाँ से खरीदेंगे, एंड दूसरी चीज़ कि आपका कितना मंथली या फिर 20 डेज 25 डेज का कितना बिल आपका आ जाएगा फॉर ग्रॉसरी। होपफुली ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मेक श्योर करेंगे हम कि बेसिक आइटम्स लें। मैं कुछ आइटम्स ऐसी भी लूँगा जो मेरी पर्सनल यूज़ की हैं, लाइक कुछ पर्टिकुलर आइटम्स जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स एंड ऑल। एंड आई वुड बी टेकिंग वेजिटेरियन राइट्स, क्योंकि राइट नाउ हमारे यहाँ इंडिया में नवरात्रि चल रहे हैं एंड आई एम फॉलोइंग दैट एज वेल। भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है यार, तो वही चीज़ है। तो एग्स वगैरह नहीं काउंट होंगे, बट रफली आइडिया आपको बता दूंगा वीडियो में ज़रूर कि एग्स कितने का क्या आता है, क्या होता है। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखना गाइज, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आई कैन सी प्रॉबली आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। और एंड में एक प्रो टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जो मुझसे गलती हुई थी, जो मुझसे मिस्टेक हुई थी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाय गाइस, मैं वापस आ गया हूँ जहाँ मुझे आना था, एंड दैट प्लेस इज फ्रेशको। मुझे नहीं पता ये कैसे आ रहा हुआ, बट द प्लेस इज़ नोन एज फ्रेशको। इट्स अ लाइक अ ग्रॉसरी स्टोर बट वेरी चीप। लाइक इफ यू से, इफ यू कैन सी, दे क्लेम to be the most cheapest as in ki less expensive, less comparatively the rates are low, that's known as cheapest। abhi main apni trolley le leta hu। this is Frisco। ye bahut sari sabziyan hain, mujhe aaj kafi sabziyan leni thi, and I will buy like a lot of them। patta gobhi soch raha hu lene ke liye, पत्ता गोभी क्या, फूल गोभी। आप प्राइस देख सकते हैं, गोइंग अहेड मैंने पत्ता गोभी ले लिया है, मुझे अभी वेट करना पड़ेगा इसका। नापा क्या वेज, आई एम लुकिंग फॉर ब्रोकलीज। मैंने मिर्च लास्ट वीक ले ली थी, तो आई एम नॉट टेकिंग दैट मिर्च। आई एम लुकिंग फॉर यह ठंडा तोरी था, इंडिया में खाते हैं यहाँ पता नहीं। आपको दिखा दूँ, मैंने एक लेटस लिया है अभी तक और एक कॉलीफ्लावर लिया है, एंड दिस इज़ द फ्रूट सेक्शन जिसमें मैं बनानास लेने वाला हूँ, बिकॉज आई लव एक्चुअली बनानास वेरी मच। तो बनानास लेके जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा लूँगा नहीं, थोड़े येलो बनानास लेने चाहिए, ग्रीनिश थोड़े कच्चे होते हैं, दैट्स फाइन। इनके प्राइस हैं गाइस, मैंने यहाँ से लिया है दिस टमाटो, सॉरी पोटैटो, ये है मुझे मिल रहा है $6 का आफ्टर लाइक बिफोर टैक्सेस, जो कि है 4.5 किलो, विच इज़ फाइन। और ये मैंने यहाँ से लिया अनियंस, दैट इज 7 something किलो, 750 की है ये, और 5.5 किलो है, विच इज़ स्टिल गुड। कुकुम्बर वगैरह मैं अभी लूँगा नहीं इनिशियली, टमाटोज लेने थे, टमाटोज आप लिटिल कॉस्टली आई थिंक, देन चेकिंग की यही लेने पड़ेंगे भाई। मैं आ गया हूँ रेडीमेड सेक्शन में, वेयर आपको दिख रहे होंगे ये है नान, तंदूरी नान। और देखिए गूगल पे गाइस, ये आप गूगल पे कैनेडा है ऑल्सो, यहाँ पे ये रोल्स के लिए हैं, एंड दीज ऑल आर नान्स, दीज आर ब्रेड्स। नॉनवेज
पिछले वीलॉग भी अपना ब्रेड ख़त्म कर लिया था, डेमोंस्ट्रेशन में ब्रेड लेने वाला हूँ। यहाँ पे दूध का सेक्शन गाइस, यहाँ पे से दूध ले सकते हो। दूध यहाँ पे तीन क्वालिटी का आता है, यहाँ पे 2% आता है दूध, 3% आता है और 1% आता है, लाइक परसेंटेज में आता है। तो परसेंटेज इज द क्रीम बेसिकली, तो 3% इज द फुल क्रीम दूध, 2% इज द काउ मिल्क या टोंड दूध, और 1% इज लाइक जो 1% मतलब डबल टोंड, वो बिल्कुल हल्के वाला। ये दही वो भी 3% की दही है, थोड़ी सी अच्छी, और मक्खन वगैरह भी यहाँ पे है। मैं देसी घी लेने वाला हूँ आज, तो मैं देखूँगा देसी घी कौन सी कंपनी का लूँ, और ये सब कुल्फीज वगैरह भी हैं। फ्यूसी 2 मिनट्स मैगी नूडल्स बच्चों के लिए, वहाँ पे आटों का सेक्शन है। आइए दिखाते हैं आपको आटे, अलग अलग आटे। ये नमक है, दिस इज शुगर, एक्चुअली नमक नहीं है, शुगर है। और ये है आटा, यहाँ मिलता है पानी की बॉटल, और वहाँ मिलता है आपका आशीर्वाद आटा। एंड दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। ये डॉगीज के लिए आ गया, ये आ गया कपड़े धोने वाला, दीज आर रेडीमेड पिज्जा, यू कैन प्रॉब्ली बाय एनी पिज्जा एंड ऑल। एंड यहाँ पे है सफल मटर, कॉर्न्स, अलग अलग आइटम्स जो आपके देख सकते हो। ये बाकी सारा रेडीमेड आइटम्स हैं। वापस जा रहा हूँ चाय पत्ती सेक्शन में, वेयर यू कैन प्रॉब्ली गेट ऑल द टाइप्स ऑफ टी। टिम हॉर्टन्स की टी है, टेटले की टी है, दीज आर द ड्रॉप टीज, वो जो टी बैग्स होते हैं वो हैं। एंड आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। एंड आई एम जस्ट चेकिंग कि मेरे मतलब, गाइस वेलकम बैक। मैंने यहाँ से लिया है देसी घी, जो कि यहाँ से था, मैंने ये ऑफ़र में देसी घी था तो मैंने ले लिया, विच इज़ लाइक $12, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $13 का होगा, $13 800 ग्राम, विच इज़ ₹900। दैट्स फाइन, मतलब ओके, जो सफाई। यहाँ पे हैं दालें, दालें मेरे पास ऑलरेडी सारी हैं, तो मैं दाल वगैरह नहीं लेने वाला। आटा भी है यहाँ पे, बट आटा भी मेरे पास है तो मैं आटा भी नहीं लेने वाला। मेरे पास जो नहीं था वो था देसी घी, जो कि मैंने ले लिया है। मेरे पास अभी मुझे टमाटर लेने हैं। ये हम अपने लास्ट सेक्शन में, वो है सीरियल सेक्शन, जो कि मैंने ऑलमोस्ट सारे सेक्शन यहाँ पे कवर कर दिए हैं। सी सो बेसिकली जब भी मैं इसके सामने जा रहा हूँ तो लाइट इज़ गेटिंग ऑन, जो कि अच्छी चीज़ है, लाइट इज़ गेटिंग सेव, तो प्रोबेबली दिस इज़ द गुड थिंग आई कैन सी। आई एम लुकिंग फॉर सम गुड सीरियल्स, ताकि मैं सुबह सुबह अच्छे से चेक कर सकूँ। रहे यहाँ पे सामान ले लिया है। हेलो गाइस, मेरी शॉपिंग कम्प्लीट हो चुकी है, मैंने काफ़ी सारा सामान ले लिया है ऑलरेडी। मेरे पीछे देख सकते हो ये सारा बैग है, और मेरे पूरा बैग फिल आउट कर रखा है, और मेरा जो बिल बना है मुझे अभी फ़िलहाल, गाइस मेरा जो बिल बना है वो बना है $79 के अराउंड का, नहीं $69 का बिल बना है मेरा, विच इंक्लूड बेसिक आइटम्स। गाइस ये थी मेरी वीडियो फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग फॉर अ स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू, एंजॉय कॉफ़ी।